गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जगह सेफ होंगे। तो जैसा कि हम करने जा रहे हैं, टेंसेज के बारे में हम कर रहे हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर लिया है। आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि जो काम प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट हो गया है, यानी कि खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। हम इसकी अगर पहचान की बात करें तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, चुका हूँ आदि आए, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि मेरा जो खाने का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वे खाना खा चुके हैं, वह पत्थर लिख चुका है, या जैसे लिया है, दिया है, हमने काम कर लिया है, ठीक है, मैंने होमवर्क कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है वो पहचान करवाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी जो है दो हैज और हैव। और जो इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे हम नियम होते हैं इसके वाक्य बनाने के, कि सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या वो और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई भी वाक्य शुरू करने से पहले सिंपल वाक्य में हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी के सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक हैज और हैव के बाद हमेशा किसी भी प्रकार का वाक्य हुआ है, सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट यानी के कर्म। ठीक है, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, हम एक वाक्य देख लेते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं आई यानी कि सब्जेक्ट खा चुका हूं। अब हमने देखा यहाँ पे चुका है, चुके हैं, इनमें से जो भी आता है, तो इसमें यहाँ पे आया है चुका हूँ, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और खाना जो है वो हमारी वर्ब हो गई, और जो ये खाना है ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब है। और जो वाक्य के नियम बनाने का है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बात आती है हेल्पिंग वर्ब जो हैज और हैव है वो किस किस के साथ लगेगी। अगर हम बात करें हैज की, हैज लगेगी हमारी थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हमारे जैसे ही, सी, इट, किसी का नाम या कोई भी एक वचन नाउन यानी कि सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। जो हमारा बाकी बच गया जैसे आई, वी, यू और थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल नाउन, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर है मैं को बोलते हैं हम आई, क्या बोलते हैं आई। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, हैव का, आई हैव। अब आगे आगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारी, खा चुका यानी कि खाना, ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ईट की, ईटन, आई हैव ईटन फूड या
मील और पीछे फुल स्टॉप। तो ये है हमारा सिंपल वाक्य बनाने का नियम। आइए अब हम देखते हैं नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य बनाने के नियम। जैसे हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के जो नियम सीखे थे उसमें था पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल सेंटेंस का जो नियम है वो ध्यान में रखते हुए क्या कर देंगे, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ ही हम लगा देंगे नॉट, ठीक है। फिर नियम हमारा वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट। तो सिंपल नियम जो हमारा था उसमें सिर्फ क्या चीज आया है कि हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। जैसे आई हैव नोट ईटन फूड, हमने पहला वाक्य किया था उसी के अकॉर्डिंग। आगे देख लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने सिंपल वाक्य बनाना था, जैसे हमने वाक्य बनाया था कि मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि क्या मैंने खाना खा लिया है, या कोई और वाक्य ले लेते हैं जैसे क्या वह पत्र लिख चुका है, तो सिंपल वाक्य बनता है वह पत्र लिख चुका है, और इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा उसके अंदर हम शुरू में क्या लगा देंगे। जैसे ही उसमें हमने क्या लगाया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सिंपल वाक्य था हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को ही हम आगे ले लेते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया आगे, उसके बाद क्या बच गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे, ठीक है। तो वही सिंपल से हमारा बन गया फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। उसके बाद जो हमारा अंतिम है, इंटरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए, तो हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, V3 और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें आगे हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमने उठा ली, फिर सब्जेक्ट बच गया, फिर हमारा नोट बच गया, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म बच गई, और फिर हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो हम एक वाक्य को देख लेते हैं, उसी वाक्य को हम चारों प्रकार के सेंटेंस में बना के दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक वाक्य ले लेते हैं और इसी को हम चार प्रकार के जो हमारे सेंटेंस है, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें इसको ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह पत्र लिख चुका है, अब वह क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, पत्र क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और लिख चुका है ये हमारी वर्ब हो गई। तो सिंपल बनाते हैं हम इसका, ही, वह का क्या बोलेंगे ही, उसके बाद क्या आती है हमारी, हाँ, हेल्पिंग वर्ब, अब ही के साथ क्या लगेगा, हैज, क्योंकि ही थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन है। उसके बाद क्या आता है हमारा मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब क्या है हमारी, लिखना, और लिखना की वर्ब होती है राइट, राइट की अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें, राइट, रोट, रिटन, ही हैज रिटन पत्र, पत्र क्या बोलते हैं लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, और लास्ट में लगा देंगे हम इसको फुल स्टॉप। हम बात करते हैं अब इसकी नेगेटिव सेंटेंस की, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट रिटन लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज आया, सिर्फ हम हैज या हैव के बाद नोट लगाते हैं बस, और इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है कि अलग से कुछ नियम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी एच डीज रहेगी। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस की तो हम क्या करेंगे, जो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया था उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में ले आते हैं और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा हैज ही रिटन लेटर, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क।
अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, तो हम क्या करेंगे, जो हमने नेगेटिव वाक्य बनाया था उसका हम हैज यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हैं। Has he not written letter? तो ये हमारे चारों वाक्य समाप्त हो चुके हैं। अगर आप भी इसको करना चाहें तो इसको सेम करके देखें और इनसे अलग जो वाक्य हैं वो भी बनाएं और कुछ समझ में लाएं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ये सेंड कर दिया जाएगा और जो भी कुछ आपको जानकारी लेनी है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में ही हमारा नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कभी भी करें। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ, ठीक है, बाय बाय।